तुम्हारा मन जो है इस बिन पेंदी के बाल्टी की तरह है, किसी एक स्त्री पर यह नहीं रुकता। तुम अपने पीछे तो भाग ही नहीं पाते, उसके पीछे कैसे भागोगे? और मैं आपको बताऊं सरकार साहब लोग, अगर गुरु मेरे जीवन में नहीं होता तो या तो मेरा एनकाउंटर हो गया होता और या कहीं मैं भीख मांग रहा होता। हसन बसरी के पास बगदाद का खलीफा पहुंचा। उसने कहा मुझे ज्ञान लेना है यार, मेरे पास सब कुछ है दुनिया का, मैं तब भी रोता रहता हूं और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम नाचते रहते हो, मुझे यह कला सीखनी है। बोला सिखा देंगे, हमें कौन सी दिक्कत, सिखा देंगे। बोला कल आना, कल सुबह आओ 6 बजे। हसन बसरी खलीफा आया दूसरे दिन सुबह, तो बसरी ने कहा देखो एक शर्त है, पहली शर्त कि जो भी मैं तुमसे कहूंगा वो तुम करोगे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे, और अगर तुम समझ गए तो तुम मेरी वाली अवस्था में आ जाओगे। उसने कहा ठीक है, बताओ क्या करना है। तो खलीफा को ले गया कुएं पे, वहां एक बाल्टी रखी थी, बाल्टी का नीचे जो था बेस वो था ही नहीं। बोला ऐसा करो पानी भरो इसमें और खेत तक पहुंचाओ। बसरी ने खलीफा से कहा कि जो बाल्टी है इसमें पानी भरो और खेत तक पहुंचाओ, नहर में डालो और खेत तक पानी पहुंचे। खलीफे ने कहा यार ये तो पागल आदमी, इसमें भैया पानी कैसे भरेगा? लेकिन अब चूंकि शर्त का मामला था तो खलीफा ने पानी भरना शुरू किया, वो बाल्टी ऊपर आई ही ना, सारा पानी नीचे ही निकल जाए। तो आधे घंटे बाद खलीफा का धैर्य टूट गया। उसने कहा भैया माफ करो भैया, हमसे ना ये सब, ये बाल्टी भरेगी नहीं, पागलपन वाली बात कर रहा हूं। बोले बेटा यही तो कह रहा हूं, तुम्हारा मन जो है इस बिन पेंदी के बाल्टी की तरह है, किसी एक स्त्री पर यह नहीं रुकता, किसी एक पुरुष पर यह नहीं रुकता। इसका मन जब बस चले तो पूरे दुनिया की स्त्रियों से विवाह कर ले, लेकिन डरता है कि पीटेंगे लोग, तो बड़ी आदर्शमयी बातें करता है यार। दूसरे की स्त्री को नहीं देखना चाहिए और खुद आंख फाड़ के देख रहे हैं। अरे भैया हम पैसे के पीछे नहीं भागते, तुम भाग भी नहीं पाओगे ना, पैसे और स्त्री के पीछे भागना एक ताकतवर आदमी का काम है। तुम अपने पीछे तो भाग ही नहीं पाते, उसके पीछे कैसे भागोगे? तो आपकी जो एनर्जी है उसको ये सब चूस लेता है, तो आपकी एनर्जी आपके गोल तक पहुंच ही नहीं पाती, आपको पता ही नहीं चलता कि आप पर डे, आप देखो रात में शाम को, आज हमारे जो मित्र हैं भाई बहन हैं वो क्यों इतना नशा कर रहे हैं, रात में नींद नहीं आती, क्योंकि ये जो है ये सारी एनर्जी को चूस लेता है। सारी उस एनर्जी को जहां जाना है वो पहुंचती ही नहीं। तो जब एनर्जी अपने गोल तक नहीं पहुंचती तो अचीवमेंट कुछ होगा ही नहीं। भारत की संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा है गुरु, और हम लोगों ने उसे छोड़ दिया। और मैं आपको बताऊं सरकार साहब लोग, अगर गुरु मेरे जीवन में नहीं होता तो या तो मेरा एनकाउंटर हो गया होता और या कहीं मैं भीख मांग रहा होता। इसी बात से प्रेरित होकर, भावना में बहकर कबीर तो एक्सट्रीम पे चले गए, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। कबीर तो एकदम इमोशनल हो गए कि नहीं नहीं, अगर भगवान और गुरु दोनों खराब, मैं पहले गुरु का पैर छूंगा, क्योंकि तुम अगर नहीं होते तो इसका तो पता ही नहीं चलता। तो मैं भारत के सभी लोगों से विशेषकर युवाओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया इस परंपरा को कायम रखें और गुरु बनाएं। बड़े सारे लोग हैं सर, और हमको तो बिल्कुल गुरु ना कहें। अब अगर आप वो बेईमानी वाला गुरु कह रहे हो तब तो ठीक है, तब तो कहो कोई बात नहीं,
एक गुरु होता है, एक गुरु होता है, काहो गुरु। तो अगर आप वो काहो गुरु वाला कह रहे हो तब तो अच्छा है, तब कोई बात नहीं, तब तो बढ़िया है। लेकिन अगर आप रोशनी वाला गुरु कह रहे हो तो आप मत कहो, प्लीज चढ़ाओ मत भैया, हाथ जोड़ के हमको औकात में रहने दो भैया। हम एक पोस्टमास्टर के बेटे थे हैं, और बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी जगह मैंने अपनी बनाई है, तो हमको भैया जमीन पर रहने दो भैया, हमारा दिमाग मत खराब करो। इस देश की बड़ी आदत है, किसी को चढ़ा देगा फिर उतार देगा। सौरभ गांगुली के साथ यही तो हुआ, बड़े गुरु हैं, सदगुरु हैं, श्री आशुतोष महाराज हैं, मां निर्मला देवी हैं, अब तो समाधि में हैं। और प्लीज एक बात और, एक बात और, आप नहीं करना चाहते मत करिए, पर किसी के खिलाफ बोलिए मत। पंडित श्री श्री रविशंकर जी हैं आदि एटसेट्रा, किसी को भी पकड़िए सर, अंधकार से बाहर निकलिए सर, रोशनी की तरफ बढ़िए, और या तो अशोक की तरह चमकिए या बुद्ध की तरह, नहीं तो बबलू और पिंटू की तरह तो जी ही रहे हो। बबलू, पिंटू, गुड्डू, इसकी तरह तो जी ही रहे हो सर, इसकी तरह तो जी ही रहे हो। या तो अशोक बनकर चमको या बुद्ध बनकर। जय हिंद।